बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लेग्स चैम्पियन शाहजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह मैं आपके साथ एक अच्छी वीडियो को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपके साथ काफ़ी सारे स्ट्रोक्स आपके साथ वो शेयर करूँगा, जो कि आपको अच्छा पे आउट देने वाले हैं। अपकमिंग पे आउट की लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि 35 कंपनीज़ हैं, जो कि इन कमिंग डेज के अंदर आपको एक अच्छा डिविडेंड और अच्छा पे आउट आपको दे सकती हैं। तो नंबर वन पे हमारे पास जनाब जो कंपनी है वो वान है, जिस कंपनी का नाम है वान नोबल केमिकल लिमिटेड, जिसकी जनाब फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, एक्स डेट 18 अक्टूबर है, पे आउट टाइप डिविडेंड है जनाब, और पे आउट दे रहा है इसने 100% का पे आउट दिया है, और एक्स डेट इसकी 18 अक्टूबर है। उसके बाद नंबर था जनाब TATM का, जिसकी एक्स डेट जो है जनाब EX डेट वो है अक्टूबर 10, और डिविडेंड दिया आपको इसने जनाब 30% का पे आउट दिया है। और उसके बाद नंबर आता है जनाब SPL का, तो जनाब इसकी जो EX डेट है वो अक्टूबर 18 है, डिविडेंड दिया आपको 10% पे आउट। उसके बाद नंबर है साजिव का जनाब, जिसके पे आउट जो EX डेट है वो 18 अक्टूबर है, और 40 रुपीज़ का आपको पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर है PTL का, पेंथर टायर्स का, तो जनाब इसने डिविडेंड दिया आपको 20% पे आउट दिया है। उसके बाद जनाब हमारे पास नंबर आता है PTL के बाद, PTL का एक और जनाब डिविडेंड है, जिसके 18 सितंबर जो है इसकी वो EX डेट है, और इसने आपको दिया जनाब 20% आपको पे आउट दिया है PTL ने, पाकिस्तान पेंथर टायर लिमिटेड ने। उसके बाद हम बताए PSO का जनाब, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, तो इसकी जो लास्ट डेट है EX डेट वो अक्टूबर 17 है, और 75% आपको इसने पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब PIOL का जनाब, जिसकी EX डेट 29 सितंबर है, 600% आपको इसने पे आउट दिया जनाब। और उसके बाद नंबर आता है OTSO का, तो जनाब इसकी जो EX डेट है वो सितंबर 15 है, और डिविडेंड दिया आपको 15% पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ओरिएंट रेंटल मोड का, जिसका सिंबल है ORM, तो जनाब जिसने आपको पे आउट दिया है तकरीबन 10%, और इसकी जो EX डेट है वो 17 अक्टूबर है। उसके बाद नंबर आता है NPL का, निशात पावर लिमिटेड का, EX डेट 17 अक्टूबर है, आपको पे आउट दिया जनाब इसने 30%। इसके बाद नंबर आता है जनाब NPL के बाद NATF का, नेशनल फूड का, जिसने आपको पे आउट दिया 50%, और उसकी लास्ट डेट है EX डेट 11 अक्टूबर। उसके बाद नंबर आता है MCBH का जनाब, जिसकी EX डेट जो है वो अक्टूबर 12, 2023 है, 55% आपको पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब माटको फूड का, MFL का, जिसकी EX डेट 12 अक्टूबर 2023 है, डिविडेंड दिया आपको जनाब 5%। इसके बाद नंबर आता है मारी पेट्रोलियम का, जिसकी EX डेट सितंबर 18, 2023 है, 580% आपको इसने पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर जनाब MSCFL का, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड का, जिसकी EX डेट अक्टूबर 6 है, और आपको पे आउट दिया है 15%। इसके बाद नंबर आता है LCI का जनाब, तो इसकी जो लास्ट डेट है EX वो है जनाब 18 सितंबर, आपको पे आउट दिया जनाब 330%। उसके बाद नंबर आता है लकी सीमेंट का जनाब, जिसकी EX डेट है सितंबर 14, 2023, और आपको पे आउट दिया जनाब 180%। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास मारी पेट्रोलियम का, सेकंड आपके पास डिविडेंड आ रहा है वो 18 सितंबर को आ रहा है 2023 को, 580% आपको दिया है इसने पे आउट। उसके बाद नंबर है जनाब MSCFL का, जिसने 15% आपको पे आउट दिया है, और इसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। उसके बाद नंबर है LCI का, तो जनाब जनाब लकी सीमेंट के बाद नंबर आता है कैपको का, जिसकी EX डेट है 16 अक्टूबर 2023, आपको उसने 50% जो है जनाब पे आउट दिया है। और पे आउट का आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि पे आउट जो होता है, डिविडेंड जो होता है जनाब, वो आपको काउंट होता है फेस वैल्यू के हिसाब से। तो 50% आप काउंट करेंगे, 20% जो भी परसेंटेज आ रही है इसको आप काउंट करेंगे फेस वैल्यू के हिसाब से। तो जनाब ISL के बाद नंबर आता है लास्ट में ISL का, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का, जिसकी EX डेट जो जनाब 13 अक्टूबर है, और आपको इसने जनाब दिया है 20% पे आउट। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का,
जिसकी एज डेट 16 अक्टूबर 2023 है। 20% आपको उसने पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंटरलूप का, तो जनाब इसकी और एज डेट है 4 अक्टूबर 2023 है। 20% आपको उसने पे आउट दिया है। इसके बाद नंबर आता है जनाब फरोज़ मिल्स का, तो जनाब फरोज़ मिल की जो एक्स डेट है 18 अक्टूबर है और आपको पे आउट दिया जनाब इसने 88.80%। इसके बाद नंबर आता है जनाब एमको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का, जिसकी एक्स डेट है 18 अक्टूबर 2023, आपको पे आउट दिया जनाब 5%। इसके बाद नंबर आता है डेस्कम का, डोल का, तो जनाब जिसकी एक्स डेट है अक्टूबर 10, 2023, 20% पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर है कोलगेट पामोलिव का, इसकी जनाब एक्स डेट जो है जनाब वो सितंबर 2020 है और आपको जनाब इसने पे आउट दिया है 50%। इसके बाद नंबर आता है जनाब चेरार पैकेजिंग का, CHCC का, तो जनाब इसकी जो एक्स डेट है वो 13 अक्टूबर है, आपको पे आउट दिया है जनाब 20%। इसके बाद नंबर आता है जनाब चेरार सीमेंट कंपनी का, तो जनाब इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर 2023 है, आपको 30%। अच्छा दोस्तों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, काम करने से पहले कुछ सीखकर काम करना चाहते हैं, लाखों लगाने से पहले, करोड़ों लगाने से पहले कुछ हज़ारों लगा के कुछ सीखना चाहते हैं, तो जनाब आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करें, जिसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कराएंगे। 1 मंथ का ये कोर्स है, जिसकी टोटल फ़ीस 5000 है, और प्लस जनाब इस कोर्स के अंदर मैं आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप का जो है ट्रेड लैग चैम्पियन शाहजी के अंदर 1 मंथ का जो प्रीमियम है 1500, जिसकी फ़ीस है, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री भी दूंगा। 1 मंथ की आपकी सब्सक्रिप्शन फ्री होगी। तो जनाब 15 सितंबर से हमारी जो 5th बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनाब आप मुझे व्हाट्सअप करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश करें। अच्छा जनाब, उसके बाद नंबर आता है BA WHL का, बलोचिस्तान व्हील का, जिसकी एक्स डेट है जनाब 13 सितंबर 2023, 35% आपको पे आउट दिया है। उसके बाद नंबर है ATRL का, अटक रिफाइनरी का, एक्स डेट इसकी सितंबर 29, 2023 है। उसके बाद इसका पे आउट है जनाब 125%। इसके बाद नंबर है जनाब हमारे पास अटक पेट्रोलियम का, APL का, जिसका डिविडेंड दिया आपको इसने 150%, एक्स डेट सितंबर 2029 है। उसके बाद नंबर है SCPL का, अटक सीमेंट का, तो जनाब इसकी जो एक्स डेट है वो 12 अक्टूबर 2023 है, आपको इसने पे आउट दिया है जनाब 60%। इसके बाद नंबर आता है अतबाग का, अटलस बैटरी का, तो जनाब इसकी जो एक्स डेट है वो सितंबर 13, 2023 है, आपको 100% पे आउट दिया है। तो जनाब ये थी अपकमिंग पे आउट्स की लिस्ट, जो कि आपको आने वाले दिनों के अंदर अच्छा पे आउट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लिस्ट जो है आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर काम आएगी। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर ये वीडियो जो है आपको डिविडेंड लवर्स को, जो कि पे आउट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म की पोजीशन चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को आप बार बार सुनते रहिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों के अंदर आप इन कंपनी से फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।